हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में और उनके बारे में जानेंगे किस तरीके से उनको राष्ट्र प्रेम था और क्या वो अफसोस जानेंगे। आप वीडियो साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ठीक है, इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। इनके बारे में इंट्रोड्यूस मैं करना चाहूँगा थोड़ा सा कि आप जानते ही होंगे इन्हें प्यार से बाबा साहब कहते हैं और इनका पूरा नाम जो है भीमराव रामचंद्र अम्बेडकर है। ठीक है, इनका फुल नेम जो है भीमराव रामचंद्र अम्बेडकर। ठीक है, इनका जन्म महू जिले के मध्य प्रदेश के 1891 में हुआ था, 14 अप्रैल को। ठीक है, अब 14 अप्रैल को इनका बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। आप जानते हैं लार्ज स्टेज पर, बड़े पैमाने पर, और यह जयंती दुनिया की सबसे बड़ी जयंती होती है, वर्ल्ड बिगेस्ट जयंती डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। ठीक है, और देखिए इनके जो अप्रोच थे, एक दूरदर्शी राजनीतिक और अर्थशास्त्री, भारत के पहले अर्थशास्त्री थे जो लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थे। ठीक है, तो इनके पास ऐसी बताई जाती बहुत सी डिग्रियाँ, 32 डिग्रियाँ, और इन्हें बहुभाषी के ज्ञान था, मतलब कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, इसलिए इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इनके दूरदर्शी विचार थे, किस तरीके से जो भी बात करते थे, जो भी बात अपना रखते थे या किसी का क्रिटिसाइज आलोचना करना हो तो तथ्यों के तरीके, तथ्य के आधार पर रखते थे, फैक्चुअल चीज़ें रखते थे, अब हम तो हवा हवाई बात नहीं करते थे। तो ये चीज़ इनकी महानता थी और इनके प्रति, इनका राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा प्रेम था। और इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था फर्स्ट एंड थर्ड राउंड में, सेकेंड राउंड में, तो तीनों में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और चीज़ कि जब संविधान लिखा जा रहा था, एक हेड थे उसके, डॉक्टर ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारत के संविधान के पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये उसके बाद इन्हें फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया पद मिलता है, बनाए जाते हैं। और उसके बीच दौरान इन्होंने बहुत से कार्य किए और इनका बहुत बड़ा योगदान श्रमिकों के क्षेत्र में, श्रमिक के क्षेत्र में, कि श्रमिक के क्षेत्र में इन्होंने जब मजदूरों को समय ब्रिटिश सरकार 12-12, 14-14 घंटे काम करवाती थी, तो इन्होंने उनका काम करवा कम से 8 घंटे करवाया था। ठीक है, और इनके कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे बांध वगैरह हो गए। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के जो इकोनॉमिक्स है, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, जैसे कि इन्हीं के आधार पे जो बुक थी इनकी ओरिजिनल, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इनका थीम था द ओरिजिनल इट्स अ सॉल्यूशन, इसी के आधार पे आरबीआई की फाउंडेशन हुई, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, और इन्होंने इन्हें महिलाओं के बारे में, इन्होंने मतलब कि जो बहुत बड़े फेमिनिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, नारीवाद थे, कि इन्होंने कहा था कि जो स्वयं दर्जे के नागरिक नहीं है महिलाएं, ये इक्वल है, हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और ये कोटेशन भी ये कहे थे कि मैं किसी समाज की, उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से मांगता हूँ, ये बात हकीकत भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने कहा और बहुत सी इनके बारे में बताया गया है जो आप देख सकते हैं। और इन्होंने कई सी बुक्स पब्लिश की थी, जैसे द बुद्धा इन लोचिन, द इट्स प्रॉब्लम रुकी तो वही है, और इनोनियशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, किस तरीके से इन्हें इनको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा और जातिवाद का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे समाज से आते हैं जहाँ उनके लोग वर्ल्ड व्यवस्था में जो बटे हुए हैं, तो इसलिए इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे किया जाता था। लेकिन आप एज अ
इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति समान रूप से पैदा होता है, समान रूप से मरता है, उसे आज ट्रीट करना चाहिए उसे एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ना कि जेंडर और कास्ट के हिसाब से। तो ये चीज़ें इनका बहुत बड़ा मानना था। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी इनके बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।